हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विपिन और मैं आपको आज बताऊंगा कैसे हम अपनी, जैसे कि आपके मन में कभी आता होगा कि ब्लॉग वेबसाइट अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर कैसे ओपन करें। जैसे काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि खत्री माजा भी कई बार आपने लोगों ने देखा होगा कि ब्लॉग होता है, या आप कभी विदेश वगैरह चले गए लाइक चाइना, तो वहाँ पर आप फेसबुक वगैरह नहीं एक्सेस कर पाएंगे। तो ऐसे केस में हम ऐसी जगहों पर अपनी वेबसाइट कैसे ओपन करें जो हम चाहते हैं, जो हम पसंद करते हैं। मान लीजिए आप किसी संस्था में काम करते हैं, वहाँ पर फेसबुक ब्लॉक है, तो फेसबुक की वेबसाइट आप वहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप उसको कैसे एक्सेस करेंगे, इसके लिए हम देखेंगे क्या सुविधा है, क्या इसको कैसे करना है। आप कभी, और दूसरी बात, कभी आप लोग देखते होंगे कि आप कोई भी वेबसाइट ओपन करें और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को पता चल जाता है कि आपने कौन सी वेबसाइट ओपन की है, ठीक है। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ये भी जान जाता है कि आपने कौन सी वेबसाइट ओपन की है, और उनको ये भी पता चल जाता है कि कौन से आईपी एड्रेस से एक्सेस की जा रही है। तो इस सबसे भी हम बच सकते हैं, वो भी जानेंगे कैसे। इसके अलावा अपने लैपटॉप को कैसे सिक्योर रखूँ, मतलब क्या होता है, कभी आप वाईफाई के फ्री सिग्नल पाते हैं और सोचते हैं कि फ्री का वाईफाई तो मिल रहा है तो मैं इसको एक्सेस कर लेता हूँ, बट ये रिस्की हो सकता है क्योंकि वो आपको फ्री में वाईफाई तो दे रहा है बट वो इससे आपके सिस्टम की जानकारी को ले सकता है। तो जानिए, देखते हैं इससे कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा VPN के बारे में कि वॉट इज़ VPN। ये आपके मोबाइल पर भी आप लोगों ने देखा होगा, सेटिंग में ऑप्शन होता है VPN का, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPN दैट मीन्स वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि वॉट इज़ VPN, VPN क्या है और इसका रिक्वायरमेंट क्या है, VPN की ज़रूरत क्यों पड़ी और हाउ इट वर्क, ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वॉट इज़ VPN। VPN देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक्सटेंड अ प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस अ पब्लिक नेटवर्क एंड एनेबल यूजर्स सेंड एंड रिसीव डेटा अक्रॉस शेयर्स। मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपका पब्लिक डेटा है, पब्लिक मतलब प्राइवेट आपका नेटवर्क ही क्रिएट करता है, पब्लिक नेटवर्क में पब्लिक आपका नेटवर्क है और उसमें आपका प्राइवेट एक क्या बोलते हैं पाइपलाइन की तरह ये वर्क करता है और आपके डेटा को सिक्योरली एक्सेस करता है और ट्रांसमिट भी करता है, दैट इज़ VPN का ये मेन वर्क है। मतलब आपका जैसे अब इंटरनेट से कोई भी चीज़ एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे आपने यूट्यूब से वीडियो एक्सेस किया, कुछ वीडियो ब्लॉक होती है जैसे कि उनमें लिखा होता है कि इस वीडियो को केवल अमेरिका वाले ही एक्सेस कर सकते हैं, तो ऐसे वीडियो को हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो इस केस में हम VPN का एक VPN सेल्फ का बना कर उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, VPN के द्वारा उस वीडियो को हम एक्सेस कर सकते हैं अपने लैपटॉप पे। VPN से क्या होता है, आपका सिस्टम की IP जो है वो हिडन हो जाती है और इस चैनल कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं इसके बारे में पता नहीं चल पाता है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कैसे करना है इसको। VPN है क्या, यह तो आपको पता चल गया। VPN की रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि VPN आपको सिक्योरिटी प्रदान करता है और मैनेजमेंट ऑफ द प्राइवेट नेटवर्क, मैनेजमेंट करता है प्राइवेट नेटवर्क का और फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है आपको। जैसे कि मैंने बताया कि आप लोग जैसे VPN का यूज करते हैं कैसे काम करता है, जैसे ही आपका इंटरनेट हो गया, ये आपका यहाँ पर इंटरनेट दिख रहा है और ये आपका सिस्टम है, तो VPN क्या होता है, जैसे भी आप कोई भी चीज़ एक्सेस करते हैं तो VPN पहले आपकी चीज़ें जो भी एक्सेस कर रहे हैं वो पहले पास VPN के पास सर्वर के पास जाएंगी, देन आफ्टर VPN से आपके इंटरनेट से कनेक्ट होंगी, तो जो भी डेटा रहेगा वो VPN आपका सिक्योर के साथ भेजेगा और सिक्योरिटी के साथ लेगा। इसमें आपकी IP एड्रेस, आपकी लोकेशन, ये सारी चीज़ हिडन हो जाती है, ठीक है। देखिए, जैसे कि मैंने बताया वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक आपका मान लीजिए नेटवर्क है पूरा, और क्या करता है, कुछ भी चीज़ आपको सर्वर से एक्सेस करनी हुई तो ये एक एक पाइपलाइन टाइप से क्रिएट कर देता है और आपका डेटा केवल आपको ही एक्सेस हो पाता है, किसी और पर्सन जो है आपका डेटा नहीं देख सकते। VPN से ये फ़ायदा होता है।
है, थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।